रात्रि के समय रेल इकाई भोपाल के स्टेशनों से निकलने वाली ट्रेनों को निशाना बनाकर ट्रेन में चढ़कर यात्रियों के मोबाइल पर्स सहित कीमती सामान की चोरी एवं लूट करने में माहिर 5 आरोपियों की गैंग को पकड़ने में खंडवा जीआरपी थाना ने सफलता हासिल की। रेल पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी द्वारा दिए निर्देशों के पालन में एवं उप पुलिस अधीक्षक रेल इटारसी सुश्री अर्चना शर्मा के मार्गदर्शन में खंडवा जीआरपी थाना द्वारा शेष अभियान चलाए जा रहे हैं। गत रात्रि जब आरक्षक शिव कुमार आरक्षक मायाशंकर के साथ सिविल ड्रेस में इटारसी आउटर खंडवा व स्टेशन खंडवा भुसावल छोर खंडवा पुराने पुल के पास गश्त कर रहे थे, तो देर रात्रि आरक्षक शिव कुमार को बदमाशों ने पकड़कर कट्टा अड़ाकर जेब में रखा पर्स एवं मोबाइल जबरदस्ती छीन लिया। आरक्षक शिव कुमार के चिल्लाने पर आरक्षक मायाशंकर उसके पास पहुंचा। मायाशंकर के आते ही दोनों आरक्षकों ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु पांचों बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। एल आरक्षकों की सूचना पर थाना प्रभारी बबिता कठेरिया व स्टाफ मौके पर पहुंचे। एल थाना प्रभारी ने स्टाफ को तत्काल घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने के लिए कहा, जिस पर ड्यूटी पर लगे फोर्स ने भाग रहे बदमाशों को सरस्वती स्कूल के पास नया पुल के नीचे घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से हाथ का बना एक देसी कट्टा, दो चाकू, एक लोहे की रॉड एवं एक लोहे का बका मिला। छीना गया मोबाइल एवं पर्स नकदी 3,200 रुपए आरोपियों से जब्त हुए। आरोपियों के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों से अभी तक की पूछताछ के दौरान लगभग 10 वारदात करना कबूल किया है। थाना जीआरपी खंडवा को पिछले दिनों बड़ी सफलता प्राप्त हुई एक अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने में। पिछले दिनों कोरोना होने के बावजूद ट्रेनों में जिस तरह की चोरी लूट की गतिविधियां प्रकाश में आ रही थी, उसके चलते पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल श्री हितेश चौधरी साहब ने अपने मार्गदर्शन में खंडवा इटारसी जोन में अपराधियों की धरपकड़ के संबंध में विशेष टीम गठित करके और आउटर प्लेटफॉर्म ट्रेन पर चेकिंग टीम गठित करते हुए डिप्लॉय किया था। कल रात सिविल ड्रेस में लगे हुए हमारे दो आरक्षकों में से एक आरक्षक को ही इन बदमाशों ने अपना शिकार बना लिया, क्योंकि वे सिविल में नहीं पहचान पाए कि ये पुलिस के कर्मचारी हैं और उनसे कट्टे की आड़ में मोबाइल पर्स आदि छीनने का जो प्रयास किया, बल्कि छीनकर जब भागने लगे तो थाना प्रभारी खंडवा सुश्री बबिता कठेरिया और उनकी टीम ने इन बदमाशों की बड़ी तत्परता से पतारसी किया, पूछताछ किया और इन्हें तत्काल गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया। ये पांचों बदमाश एक अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं। इसमें संतोष राय जो आरोपी है यह आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, देवराज कोली मुंबई का, मनीष चौधरी बाड़मेर राजस्थान का, राधेश्याम आदिवासी विदिशा हाल इटारसी में रहता है और विजय मोरे जो है वो जलगांव का रहने वाला है। इस प्रकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन राज्यों को बिलोंग करने वाले अपराधी हैं। इनकी जब पूछताछ की गई तो इनके कब्जे से देशी कट्टा बरामद हुआ, चाकू बका बरामद हुआ और साथ में जो कल लूटा गया सामान था वो बरामद हुआ। इनसे पूछताछ करने में ज्ञात हुआ कि मनीष और संतोष के खिलाफ कई अपराध पहले से ही पंजीबद्ध हैं प्रदेश में और प्रदेश के बाहर। जीआरपी भोपाल ने पिछले वर्ष इन दोनों को गिरफ्तार किया था और एक प्रकरण में जेल भेजा था। इन्होंने हाल में ही इटारसी के क्षेत्र में रनिंग ट्रेन में दो लूट करना स्वीकार किया है, मुरैना में एक चोरी करना स्वीकार किया है और साथ में खंडवा की दो चोरी में भी इन्होंने अपने मोबाइल चुराना बताया है। इनके निशादेही पर अभी हाल में ही जो पूछताछ तथ्य प्रकाश में आए हैं तो 10 मोबाइल लगभग इन्होंने चिन्हित कराए हैं जहां अलग अलग जगहों पर बेचा है और बेचने के लिए इटारसी, बैतूल, जलगांव, मुंबई आदि स्थानों पर ये मोबाइल बेचते रहे हैं। इस प्रकार यह बहुत ही दुर्दांत गैंग जो हथियारों से लैस होकर आक्रामक मुद्रा में चोरी और लूट की वारदात करने के लिए डिटर्मिनेशन में रहती थी, उस गैंग को धरपकड़ करके और उनसे बरामदगी करने में जीआरपी खंडवा को सफलता मिली है, उसके लिए जीआरपी खंडवा की टीम को एसआरपी महोदय के द्वारा इनाम देकर विशेष रूप से नगद पुरस्कृत किया गया है और भविष्य में भी जीआरपी की यह मुहिम लगातार जारी रहेगी।